और ये बेशर्म चीता ला रहे हैं, चीता ले आओ। आज मीडिया मृत शैया पर मर चुकी है, इस देश की मीडिया। मैं तो यही कहूंगा, लोग कह रहे हैं काला समय है, काला समय नहीं है साहब, इस देश की मीडिया मर चुकी है। फ्रांस ने जिस व्यक्ति को सर्वोच्च नागरिकता सम्मान दिया वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान पद्मश्री है। तो विरोध कौन कर रहे हैं? शाहरुख खान जैसा व्यक्ति सदियों में पैदा होता और है और देश का सौभाग्य है कि हमारे पास, और मैं ही नहीं, मैं ही नहीं, इस व्यक्ति का देश और विदेश लोहा मानता है। तो विरोध करने वाले कौन है? विरोध करने वाले वही है, नफरती चिंटू, अंधभक्त, गोडसे को मानने वाली नफरती विचारधारा को धारण करने वाले दैत्य राक्षस कहूंगा, क्योंकि कला जो है वो किसी भी अंदर आ, सरस्वती आपके अंदर आ सकती है, तो सरस्वती का सम्मान होना चाहिए, कला का सम्मान होना चाहिए। और शाहरुख खान हिंदू मुस्लिम नहीं है, इस समय शाहरुख खान कलाकार है। तो कलाकारों का और बुद्धिजीवियों का जिस देश में विरोध होने लगे, उस देश का भगवान ही मालिक है। मैं आपको बताऊं विरोध क्यों तेज हो रहा लगातार, क्योंकि शाहरुख खान के नाम के पीछे खान है और मुसलमान सबसे अंधभक्तों और भाजपा और आरएसएस का जो मतलब जिनकी इनकी दुकान ही मुसलमानों से चल रही है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि भाजपा और आरएसएस की दुकान मुसलमान से चल रही है, मुसलमान हिंदू मुस्लिम, और इस हिंदू मुस्लिम करते करते सत्ता में आ गए। आज सबसे बड़ा फायदा अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हुआ है तो मुसलमानों से हुआ है, हिंदू मुस्लिम और मुसलमानों ने सत्ता पर बैठा दी। कह रहे हैं भगवा का, तो इनको तो मुसलमानों की पूजा करना चाहिए, कह रहे हैं कि उनका नाम लेकर के सत्ता में आ गए। भगवा का अपमान सहा नहीं जाएगा? नहीं, भगवा का कहाँ अपमान हो गया, 4000 साल से जो सनातन धर्म चला आ रहा है, किसी की हैसियत है, मेरी औकात है, आपकी हैसियत है, किसी डायरेक्टर की हैसियत है कि सनातन धर्म को अपमानित कर देगा, बर्बाद कर देगा? क्या बात कर रहे हैं साहब, बॉलीवुड में डर का भय है। देखिए ये इन 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 सत्ता की मलाई काट रहे दलालों की भावना आहत हो रही है, जो इस देश में नफरत फैला रहे हैं उनकी, तो फिर बॉलीवुड क्यों डर रहा है? नफरत की जो दुकान चला रहे हैं उनकी भावना आहत हो रही है, आम नागरिक की भावना कभी इन चीजों से आहत नहीं होती है। तो बॉलीवुड क्यों डर रहा है इतना? कहां बॉलीवुड डर रहा है? ले योगी जी से अपील कर रहे हैं। देखिए क्या सुनील शेट्टी नहीं बताए, सुनील शेट्टी जी का आपने बयान नहीं चलाया? सुनील शेट्टी ने पूछा कि आज फिल्म बनाना इस देश में जुर्म है, और जिस देश में कलाकार, बुद्धिजीवी, पोएट, राइटर, जो मतलब किसी भी देश के जो ब्रेन होता है उसके ऊपर आप सवाल पूछ रहे हैं, आप कटाक्ष को, अरे हमारे यहाँ कहावत है निंदक नियरे राखिए, कबीर बाबा कहते हैं कि निंदक अगर, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लोकतंत्र में मैं कहूँ कि नहीं मेरी सरकार रहेगी तो वो लोकतंत्र नहीं है, वो तानाशाही है। मतलब लोकतंत्र का मतलब है कि आपकी भी आवाज़ सुनेंगे, उनकी भी आवाज़ सुनेंगे, विरोध करें, और ये नहीं देखूंगा कि उनका टाइटल क्या है, ये नहीं देखूंगा कि वो गरीब हैं, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचने का जो विचारधारा है वो भारत की विचारधारा है, वो संविधान की विचारधारा। सुनील शेट्टी ने जो अपील करी है, जो मांग करी है योगी सरकार से, तो क्या उस पर कोई काम होगा या बस ऐसे ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं काम होगा। अगर सुनील शेट्टी इनके अग्निहोत्री की तरह चाटुकार होते, इनका महिमा मंडन करते, तो उनको भी टैक्स फ्री कुछ लाभ मिल जाता। फिल्म सिटी बन रही है नोएडा में तथाकथित, अभी तक तो जमीन भी नहीं आई, अब पता नहीं भगवान मालिक है। मैं बुलेट ट्रेन भी ला रहे थे 2022 में, किसानों की आय दुगनी कर रहे थे 2022 में, आज तड़प तड़प के किसान मर रहा है, किसानों की पूरी फसल जो है आवारा पशु चर जा रहे हैं। कहा भाजपा ने कहा था कि किस बाद में तोड़फोड़ क्यों हो रही है? फिर क्या क्यों नहीं होगी तोड़फोड़? सिनेमा देश में भ्रांति कैसे फैलाई जाए? देश में महंगाई से, बेरोजगारी से, चाइना के अतिक्रमण से कैसे भटकाया जाए? भाई भटकाने के लिए तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए कि भ्रांति फैल जाए, अहम मुद्दे छुप जाएं। तो आज देश में इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। आज आप देखिए ना साहब, भुखमरी से लोग मर रहे हैं। आज मदर डेयरी का दूध 65 रुपया हो गया, आम आदमी बच्चा दूध नहीं पी पा रहा इस देश का, हिंदुस्तान की 1/4 आबादी भूखे सो रही है, और ये बेशर्म चीता ला रहे हैं,
चीता ले आओ। आज कितने शर्म, देखिए अंतिम संस्कार कर देना चाहिए ऐसी मीडिया का। आज मीडिया मृत शैया पर मर चुकी है, इस देश की मीडिया। मैं तो यही कहूंगा, लोग कह रहे हैं काला समय है, काला समय नहीं है साहब, इस देश की मीडिया मर चुकी है। हिंदू नहीं है क्या? क्या आप सनातनी हिंदू नहीं है क्या? क्यों, कोई आप प्रमाण चरित्र प्रमाण पत्र बांट रहे हो? सनातनी हिंदू मूवी का विरोध करें। अच्छा, साध्वी प्रज्ञा तो कह रही है कि चाकू का धार तेज करो, चाकू का धार तेज करो, काटना है लोगों को देश में। तो आप बताइए संत की, अरे सुनिए पहले, संत की ये भाषा होती है कि चाकू तेज करो? ये तो आतंकवादी और अराजकता फैलाने वालों की भाषा है। क्यों देश में चाकू, ये तो देश के गृह मंत्री को निठल्ला बताने की बात है। अमित शाह को निठल्ला बता रही है साध्वी प्रज्ञा, मैं नहीं बता रहा हूँ। इस देश में कानून का राज है कि नहीं? खुले आम आप भड़काऊ भाषा आप कहते हो, आप मुख से कुछ बोलते हो तो उसका असर होता है साहब। देश में दंगे हो जाते हैं ऐसे ऐसे बयानों से। वो तो ये तो शर्म की बात है कि इस देश का गृह मंत्री इतना कमजोर है, दया आ रही है अमित शाह पर कि उसी का मंत्री उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री कमजोर है, और ऐसे लोगों को सांसद बना के भेजना, ये देश का मतलब दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इस देश का कि आतंकवाद के मुकदमे जिसके ऊपर चल रहे हैं वो इस देश का सांसद है। मतलब काहे नहीं इस देश में जो है बेरोजगारी और अंधकार फैलेगा जब ऐसे दुराचारी जब सत्ता में आ जाएंगे। साधु संत कह रहे हैं सनातनी धर्म का अपमान सहा नहीं जाएगा। देखिए अच्छा, साधु संत ठेका लेके बैठे हैं, आप बताइए ना। और मैं राजनीतिक साधु संतुओं की बात कर रहा हूँ, मैं ऋषि मुनियों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऋषि मुनि तो अपना तपस्या में लगे हुए लीन है। इन तथा कथित साधुओं को मैं कह रहा हूँ जो सत्ता की मलाई काट रहे हैं, जो सत्ता की दलाली कर रहे हैं, आप बताइए ना। इनके लिए तो चिन्मयानंद भी साधु है, इनके लिए तो आसाराम साधु है, बलात्कारी, जिसके मतलब आप साहब चरण, जब गाड़ी आसाराम की जाती है जेल वाली, तो मतलब इस देश में अंधविश्वास देखिए कि उस मिट्टी को अपने माथे पे लगाती है जनता। उस तो आज समझना पड़ेगा। और रंग की बात कर रहे हो, रंग पे तो आज सबसे बड़ा कुठाराघात आज रंग पे कौन कर रहा है? आज सबसे ज्यादा कुठाराघात हिंदू करने वाले कर रहे हैं, जो भगवा चोला ओढ़कर बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। अरे 8 साल की लड़की कौन सा उकसा रही है भाई, कौन सा उकसा रही है 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार? पठान में कुछ गलत नहीं है तो फिर सेंसर बोर्ड ने कैंची क्यों चला दी क्या? इस देश में यही तो बात है कि इस देश में लोकतंत्र मरता चला जा रहा है। आज आप फिल्म नहीं बना सकते हो, और फिल्म क्या है भाई, फिल्म क्या है? फिल्म आपके ही आम जीवन का रूपांतरण है। मतलब फिल्म्स आर द मिरर ऑफ द डेली लाइफ्स ऑफ द पीपल। जो हमारे आम जीवन की कथा है उसी पर कटाक्ष करके पिक्चर बनती है। लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों पर भी क्यों निशाना रहा जाता? देखिए साउथ की फिल्मों पर तो कोई देखिए उंगली नहीं उठाता। देखिए बॉलीवुड के, क्योंकि बॉलीवुड में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और तमाम ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके टाइटल जो है खान है। इसलिए ये बड़ा, सुनिए, ये बड़ा आसान हो जाता है कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाए। अब वही सलमान खान जब प्रधानमंत्री के साथ पतंग उड़ाते हैं तो बहुत बड़े जो है वो हो जाते हैं, और वही शाहरुख खान जब कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री का महिमा मंडन नहीं करेंगे तो आतंकवादी हो जाते हैं और कहते हैं कि उनको पाकिस्तान भेज दीजिए। अरे भाई गुलामी है इस देश में, गुलामी है। तुमसे हम कहेंगे कि माइक हमारा सवाल पूछो, हम आपसे कहेंगे कि नहीं तुम हमारा चलाओ। बॉलीवुड के पास कंटेंट नहीं है। क्यों नहीं कंटेंट है? आज दुनिया में ये जिस लाल सिंह चड्ढा को इन्होंने फ्लॉप बताया, दुनिया में हिट हुई भाई साहब, दुनिया की हिट है। लाल फ्लॉप हो गई ना, देख कहां फ्लॉप हो गई, भारत में नहीं फ्लॉप, सबसे ज्यादा बिजनेस करके आई। और ये जिस पठान की अंधभक्तों की व्यथा बवासीर की तरह है, ना कही जाए ना सही जाए, 150 मिलियन से ज्यादा व्यू गाना रिलीज होने ही तक ही हो गया, उसके डिस्ट्रीब्यूटर ने 300 करोड़ रुपया से ज्यादा कमा के दे दिया। तो पिक्चर तो पहले ही हिट हो चुकी है। अब तो इस देश की जो सरकार है उसकी संकीर्ण मानसिकता सामने आ रही है कि कोई मुद्दा नहीं है साहब,
व्यक्ति का विरोध करेंगे, फिल्म का विरोध करेंगे, रंग का विरोध करेंगे, इनके पास अब कुछ रह नहीं गया। बजरंग दल गलत कर रहा है विरोध करके, क्या बजरंग दल बिल्कुल कर रहा है, और ऐसे लोगों को जो खुले आम अराजकता फैला रहे हैं इनको जेल में डालना चाहिए, इस देश की सुरक्षा के लिए ये खतरनाक है। अराजकता फैला रहे हैं वो, कह रहे हैं हम अपना जो अपमान। और कौन है बजरंग दल? ये तो हनुमान जी का नाम भी, मतलब ऐसा दल रख दिया हनुमान बजरंग दल, और काम क्या है इनका? उत्पात फैलाना, हाँ, प्रेमियों को मारना, दंगा करना, लेकिन धर्म की रक्षा। ये तो हनुमान जी के नाम का भी मतलब अपमान है। बजरंग दल नहीं होना चाहिए, सुनिए ना, इस पे PIL पढ़ना चाहिए। उनका दावा है कि हम धर्म के उत्पात दल होना चाहिए, बजरंग दल नहीं होना चाहिए। धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा नहीं, धर्म की रक्षा इनके बाप नहीं कर सकते। पहले ये धर्म का ध्वज जान ले कि धर्म क्या होता है। धर्म धारण करने की चीज है, धर्म जो है किसी को मारने और पीटने और काटने की चीज नहीं है। धर्म जो है प्रेम का संदेश लेके चलती है। तो कंगना रनौत बहुत बड़ी देशभक्त हैं, कहते तो हैं देशभक्त हैं वो, उनको जो है भारत रत्न दे दिया जाए कंगना रनौत को। अतुल जी देश, कंगना रनौत जो है बिकनी नहीं पहनती हैं। तो कंगना कौन ने आपके हिसाब से गलत किया है? क्या बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। और इस देश में जो भी महिला पहनना चाहती है वो खुले आम पहने। मैं कोई, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि किसी महिला, क्योंकि मैं भी किसी महिला के कोख से ही पैदा हुआ हूँ। तो ये तो संकीर्ण मानसिकता रखने वाले ये संघियों और भाजपाइयों की है जो बिकनी 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 पे आहत हो जाती है। मैं कतई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि महिला के स्कर्ट से उसका चरित्र जो है नापूं। ये वो संघी हैं, भाजपाई हैं।